कैसे हैं आप सब? अरे भाई, आधा फुल का समय हो चला हो और आप लोग ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना? देखिए भाई, हम झूठ नहीं बोलते हैं। आज का जो एपिसोड है एकदम जोरदार है, तो आप लोग तैयार हैं? चलिए फिर, देश आजाद है, मैं मानव हूँ और ये है मेरी दोस्त नेहा। नेहा, हाँ। शो शुरू हो गया है। हाय, मैं हूँ नेहा। अरे ये क्या, मैं हूँ नेहा? मतलब चप्पड़ चप्पड़ एक्सप्रेस आज इतनी शांत कैसे हो गई? क्या हुआ, सब ठीक है? एक्चुअली मानव एक बंदा है जो बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है। हाँ तो फिर उसे मना कर दो ना। कई बार मना किया, फिर भी फोन, मैसेज, सोशल मीडिया हर जगह परेशान कर रहा है। उसे एक सिंपल सी बात नहीं समझ में आ रही है कि मुझे उससे बात नहीं करनी। यही प्रॉब्लम, कई लोगों को ना इस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता। आज की आधा फुल की कहानी भी कुछ ऐसी है। अच्छा, हाँ चलिए देखते हैं आज की कहानी और कहानी के उस तरफ बात करते हैं। चाय, चाय गरम, चाय। अरे आंटी जी, चाय गरम, चाय, चाय गरम। अबे ओ फुहड़, पूरे बदलीपुर में तुझे मैं मिला था क्या मेरी बाहुबली ने टकराने के लिए? क्या पागल है, तेरे पास आंखें नहीं है और इतना बड़ा भोपू लेके घूमता है, बचा नहीं सकता क्या? घंटी तो तेरे भी पास है। ठीक है, हो जाती है गलती, लगी वगी तो नहीं? अदरक को लगती वगती नहीं है, पर बेटा देख नुकसान तो हुआ है, नगद नारायण तो देने पड़ेंगे, निकाल। ए, सुन, जानबूझ के नहीं किया मैंने, समझा? तो भरपाई करनी पड़ेगी, नगद नारायण निकाल। पैसे नहीं है मेरे पास और गलती तेरी भी है। एक हाथ से कौन साइकिल चलाता है? अदरक चलाता है एक हाथ से साइकिल। एक नुकसान बहुत हो गया है और मेरा गुस्सा बहुत हो रहा है, निकाल भी। एक पैसा नहीं दूंगी मैं तुझे, तो लेट कर बात ऊपर से दबा रहा। हट हट, अरे पड़ा आया बेवकूफ इंसान। ना नुकसान करा दिया अदरक का, भरपाई तो करनी पड़ेगी। सबका नुकसान झेल सकता है अदरक, लेकिन चाय का नहीं। हेलो 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 हेलो, क्या हुआ करिश्मा? कुछ नहीं पापा, वो नेटवर्क नहीं आ रहा शायद। बेटा तुम अब बदलीपुर में हो, थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा। जब से आई हूँ एडजस्ट तो कर रही हूँ। अच्छा देखो, तुम नाश्ता कर लेना और हाँ, मैं शाम को देर से आऊंगा। पापा एक बात पूछू? पूछो। जब मम्मा थी तब भी नाश्ता आप ही बनाते थे क्या? डिनर भी। बाय बाय। हेलो हेलो, तो ये अननोन नंबर पर से आवाज नहीं आ रही। हेलो, कौन बोल रहा है? अंतरा, कौन सा बिल, कैसी चाय? इट्टी की चाय का बिल। क्या? और नहीं तो क्या, आज सुबह मेरी साइकिल से टकरा कर मेरी केतली गिरा दी उसने, 75 रुपए का बिल बनाया, दे दो। सही में बिल्कुल देख के नहीं चलती वो। अदरक तू एकदम ठीक कह रहा है, बिल्कुल हवा हो चुकी है वो। ये ले 75 हो गए, चल अब जा। जा रहा हूँ ना, ऐसे तो गिल लो। क्या है? नगद नारायण। हाय। ओ हाय, कहाँ जा रहे हो? तो संडे है, फ्री था तो बस ऐसे ही बाइक लेके राइड पे। हेलो हेलो, नेटवर्क तो है। हेलो, क्या हुआ, कौन है? हेलो, अरे फोन किया तो कुछ बोलो ना। हेलो, क्या मैं बदलीपुर की सबसे सुंदर लड़की से बात कर रहा हूँ? हाँ, फोन तो सही जगह लगा है। बस इसी खूबसूरती ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया। ओ तो मिस्टर दीवाने, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जाने मन, नाम में क्या रखा है, एक बारी मिल तो लो। हाँ लेकिन आपका नाम क्या है? कहा ना मिस्टर दीवाना। देखो मजाक बहुत हो गया। अरे दिल की बात है, आपको मजाक लग रही है? हाँ एक बार उस लड़की को हटा दो, फिर आता हूँ ना तुम्हारे सामने आमने सामने, फिर दिल भर के कर लेना मेरा दीदार। क्या हुआ करिश्मा, किसी को ढूंढ रही हो क्या? सनम इधर उधर ना देखो,
मैं तो तुम्हारे दिल में हूँ। क्या हुआ, कौन था? पता नहीं, कोई पागल था और ऑफ कर दिया। अच्छा सुनो ना, पहले कॉफी चले फिर घर छोड़ देना। कॉफी पहले यार? अच्छा कॉफी के पैसे नहीं, मैं पिला दूंगी यार। पता है तुम्हें पॉकेट मनी मिलती होगी। ज्यादा नहीं, चलो मुझसे ज्यादा नहीं, बैठो। हुआ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। लगता है बदलीपुर में ना इश्क का रोग बड़ी तेजी से फैल रहा है। क्यों, तुम्हें भी हो गया है क्या? हमें नहीं नहीं, लेकिन किसी को तो हो गया, और वो भी करिश्मा से। अरे अब इनसे क्या छुपाना, दोस्त है हमारे, बताओ। अरे हाँ भैया, हमें भी तो बताओ आखिर कौन है वो आवारा पागल दीवाना। दीवाना माई फुट, पता है फोन कॉल्स आते थे, अब तो पीछा भी करने लगा। अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार समझता है, लेकिन उसे ये नहीं पता जो फिल्मों में होता है वो रियल लाइफ में करेंगे ना तो जूते पड़ेंगे जूते। प्रिंस, तुमने कभी किसी लड़की का पीछा नहीं किया? नहीं, प्रिंस कभी किसी का पीछा नहीं करता। हाँ तुम्हारी बात तो अलग है ना, लड़कियां तुम्हारा पीछा करती होंगी। एक सेकेंड, लड़का हो या लड़की हो, अगर किसी को किसी में इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं है ना। अभी पीछे पड़ने की क्या बात है इसमें? तो तुम इतना सीरियसली क्यों ले रही हो, ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारे कोई पीछे पड़ा हो। मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ हाँ, जस्ट किडिंग। आकाश कोई गाना सुना दो। ओके ब्रो। जादू तेरी नजर। ये ले बेटा, गरम है, संभाल के। ये माँ तुम ऐसे कभी भी कुछ भी पैक करके भेज देती हो, मैं नहीं जा रही हूँ। प्लीज एक मिनट। क्यों नहीं जा रही? पकड़ी सर, गरम गरम खीर बनाई है, खाएगी वो, उसकी बुआ भी नहीं रहती यहाँ पे। तो माँ उसे अगर खानी होगी तो वो बनवा लेगी ना खुद। बेटी तेरे को समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला? जा जा देकर जा, और सुन टिफिन देके सीधा घर आना, इधर उधर मत जाना। पापा हिम्मत कैसे मेरे घर तक आने की? प्यार करता हूँ तुमसे, बस इतनी सी बात समझानी है। I love you. एक बार हाँ बोल दो। Love you too. इतना सा तो बोलना है, वरना मुझे फिर आना पड़ेगा सिर्फ तुम्हारी हाँ सुनने के लिए। देखो तुम ना, हेलो हेलो, करिश्मा बेटा दरवाजा खोलो, मैं हूं तुम्हारा पापा। अरे क्या हुआ बेटा, इतनी डरी हुई क्यों? पापा उसका फिर से फोन आया था, आज तो वो घर तक आया, मुझे लगा आप थे, लेकिन उसने मुझे फोन करके फिर से वापस नहीं की भी थी। उसकी इतनी हिम्मत, पुलिस ऑफिसर के घर तक पहुंच गया? और तुम्हें कितनी बार कहा प्रॉपर कपड़े पहना करो। अंकल। अरे किटी आओ आओ अंदर आओ। इसमें कपड़ों का क्या लेना देना, मैं बाहर ही थी तो मैंने सब सुन लिया। मुझे नहीं लगता इसमें करिश्मा की कोई गलती है। गलती किसी की नहीं है, तुम तो यहाँ के लोगों को जानती हो ना, यहाँ के लोगों की मेंटालिटी, यहाँ का माइंडसेट, आज तो हद हो गई। अरे वो नंबर देना जिससे फोन आया था। डोंट वरी, अब तो ट्रेस हो जाएगा, तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं भी आता हूँ। हेलो कंट्रोल रूम। वैसे ये माँ ने तुम्हारे लिए खीर भेजी है। थैंक्स। क्या हुआ? कुछ नहीं। टाइम क्या हुआ कमलेश? पौने आठ। ये तेरा घर में आने का टाइम है किटी? पापा पौने आठ ही तो है,
किट्टी तू लड़की है। हाँ पापा पता है मुझे, नहीं तो मेरा नाम किट्टू होता ना। तुझे अच्छी तरह से पता है मैं क्या बोल रहा हूँ किट्टी। अरे कल को कोई ऊंच नीच हो जाए तो। हाँ पापा, जो एक बात मैं रोज रोज सुनती हूँ तो मुझे समझ में आ ही जाएगी। और वैसे भी माँ ने भेजा था मुझे, मन से नहीं गई हूँ मैं अपने। करिश्मा बातें करने लगी तो हो गई थोड़ी देर। पानी नहीं है ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। पापा। हाँ। एक बात पूछूं? बोलो। ये जो ऊंच नीच आप कह रहे थे, ये करता कौन है? कौन कौन करता है, लड़के करते हैं और कौन करता है, है ना जी? तो लड़कों को रोका ना घर पे, लड़कियों पे क्यों रोक टोक लगती है? किट्टी जितना कहा जाए उतना कर, तेरे उल्टे सीधे सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास। लेकिन घर में रात को देर से नहीं आना है, मतलब नहीं आना है। जा हाथ दो खाना खा। ओ रुको रुको रुको, इतना भार उठा रही है, दे दे। थैंक यू। ओ हेलो, तू ना हमारे साथ मचल और बात तो करी मत मुझसे। एक मिनट, फिर से लड़ाई हो गई आप दोनों की? अरे यार लड़ाई तो ये करती है। अच्छा एक सेकंड, किटी क्या हुआ? इसने शिकायत कर दी मेरे घर पे। ऐसा क्या आपने? अरे यार नुकसान करा दिया था इसने मेरा, मुझे एक बार बोल दी थी हिसाब में लिख ले तो मैं लिख लेता, इसने पता क्या कहा, जा जो मर्जी कर ले। ठीक है ना, हो गया। हाँ, भूल जाइए आप दोनों। अरे मैं तो उसी दिन भूल गया था जिस दिन नगर नारायण हाथ में आए थे। खैर ले ले तेरे पैसे, दोस्त के पैसे लेके कहाँ जाऊँ। चलिए ये तो हो गया। वैसे आप दोनों ने करिश्मा के बारे में सुना? वो सब सही है? बिल्कुल करेक्ट है। फोन करता है लेकिन सामने नहीं आता। अरे क्यों करता है वो, बात करनी है तो सामने आना चाहिए ना। और पता है क्या कहता है फोन पे? कहता है मैं करिश्मा से प्यार करता हूँ। प्यार तो हम भी करते हैं मम्मी से भाई से, बट ऐसे छुपते तो नहीं है ना। तारा वो तेरे जितना समझदार थोड़ी है। पता है तारा क्या सीन होता है? क्या? कि दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। देखा उसका दिल माने ना माने, लेकिन आधा फूल ये केस सॉल्व किया बिना नहीं मानेगा, है ना? हाँ। या यार वैसे तुम लोग तो जा रहे हो यार, अब कैसे करेंगे हम? आप एक काम करें, आप भी हमारे साथ स्कूल चलिए। स्कूल चलिए, बात साहब है हमारे, बाकी सब लोग ही पकड़ बैग। अरे बात तो सुन ले। अरे हट। अरे हंसाने के चक्कर में लगे। फोन आया? नहीं। मैं क्या कह रही थी, अगर तू चाहती है तो मैं चलती हूँ तेरे साथ घर तक। नो नो थैंक्स, मैं चली जाऊँगी। ओके अब तुझे पता होगा ना कि मैं ब्रेव हूँ, लेकिन तुझसे ज्यादा नहीं, ठीक है ना? एक से भले दो। Sit down. Thank you, ma'am. आप सब लोगों ने अपना होमवर्क किया है? Yes. नोटबुक निकालिए। करिश्मा I love you, करिश्मा एक बार हाँ बोल दो। किसने किया ये? किसने किया है? जिस किसी ने भी किया है चुपचाप सामने आ जाओ। किसने किया ये? करिश्मा तुम्हें किसी पे शक है? तो मैं देखो अब भी वक्त है, सामने आ जाओ, मैं माफ कर दूंगी, लेकिन बाद में पता चला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
करिश्मा, इसका पता जल्दी चल जाएगा। डोंट वरी। सही कह रही थी तू, अब नहीं आएगा, वो डर गया। थैंक्स यार, तुम लोग यहाँ तक आए, नो प्रॉब्लम। ओ बाय। एक मिनट यार, प्यास लग रही है यार, वो भी तेरे से ज्यादा। थोड़ा पानी पिला दे प्लीज। हम सब है तेरे साथ। चल हम निकल रहे हैं, ठीक है? यू टेक केयर, कुछ भी हुआ तो फोन कर। टेक केयर यार, अदरक केयर नो फेयर। अदरक केयर साथ में, तुझे पता है मैं क्या चीज हूँ? करेगा थोड़ा मेरे साइकिल का टायर। कैसे से चलाए इसे? हेलो। हेलो अंकल, मैं किटी। अंकल मैं करिश्मा को छोड़ने गई थी घर अदरक के साथ, और लगता है वो लड़का यहीं आसपास है। उसने मेरी साइकिल जला दी और एक धमकी वाला नोट रखा है। क्या? हाँ अंकल, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। देखो तुम लोग घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो, मैं अभी आ रहा हूँ। और देखो घबराना मत, बस मैं अभी आया। अदरक सारे खिड़की बंद कर दे, एक सेकंड। करिश्मा इट्स ओके, कौन होगा? रुक, अभी ध्यान लगा के बताता हूँ। ये टाइम नहीं अदरक। कोई टाइम नहीं है, मुझे कैसे पता बाहर कौन है, है? करिश्मा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैं वो दरवाजे पर खड़ा कब से डोरबेल बजा रहा हूं। दरवाजा खोलो। कल नमस्ते। ना बेटा ना, ना रोना नहीं, रोना नहीं। देखो मैं आ गया हूं ना, हाँ तुम मेरी बहादुर बेटी हो ना बेटा, आंसू पोछो। गुड गर्ल। ना ना ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये बदलीपुर में हो क्या रहा है? बीच में मत आना किटी, जो बीच में आते हैं उनको किनारे लगाना मुझे आता है। ये वही लड़का कर रहा है जो करिश्मा को परेशान कर रहा है। उसने तो अपने खून से नोटबुक पर आई लव यू करिश्मा भी लिखा है। और किटी तू इस मामले में कैसे फंस गई? तुझे क्यों धमका रहा है? पापा शायद मैंने करिश्मा को घर तक छोड़ा ना, ये बात उसे बुरी लग गई इसलिए सब। लेकिन किटी डर जाए, इम्पॉसिबल। किटी अपनी बकवास मत कर, कल से ना तू कहीं भी अकेली नहीं जाएगी, बस मां। लेकिन मुझे डर नहीं लगता। किटी इस मामले को हल्के में लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। वो कुछ भी कर सकता है, किसी की जान ले सकता है, किसी की जिंदगी खराब कर सकता है। हाँ हम रोज अखबार में पढ़ते तो है, आज यहाँ कल वहाँ। मुझे समझ नहीं आता है ये लोग इतनी बात भी नहीं समझते।
कि नो मीन सिर्फ नो होता है। ऐसा लगता है आजकल लड़कियों का पीछा करना, उनको परेशान करना और उनपे अपनी मर्जी थोपना तो एक फैशन हो गया है। हर जगह बस यही चल रहा है। इस तरह के लोग स्टॉकर होते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी खूबसूरती ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया, मिस्टर दीवाना। तनम नाश्ता फिनिश करो बेटा, तुम्हारी बुआ यहाँ रहती तो अच्छा रहता, तुम्हें अकेले नहीं रहना पड़ता। पर क्या करे बेटा, उसे गांव जाना भी जरूरी था। ओके पापा, मैं ठीक हूँ। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे सभी क्लासमेट से मैं पूछताछ करूंगा, कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिल जाए। एक गलती और पकड़ा जाए उसका ये खेल ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। अच्छा बेटा, वो फोन कहाँ है? पापा मैंने वो स्विच ऑफ करके रख दिया। अरे उसे तो ऑन रखना चाहिए था, वही तो एक जरिया है जिसके द्वारा हम उस तक पहुंच सकते हैं। देखो उसने अपना पुराना सिम कार्ड तोड़ दिया है, वो तुम्हें नए नंबर से फोन करेगा और हम उसे ट्रेस कर लेंगे। फोन लाओ अपना। नाश्ता करो। फोन मत उठाओ, ये फोन उसे क्या है, प्लीज पापा। अरे बेटा तुम चिंता मत करो। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? तुम्हें पता तुम किससे बात कर रहे हो? प्यार करने वाले डरते नहीं, जो डरते वो प्यार करते नहीं। अच्छा फिर तो तुम्हें सामने आके बात करनी चाहिए। बस इतना ही था मैं पुलिस में। वैसे दामाद बनाकर बुलाओ तो आ भी जाऊं। बोलो बुलाओगे? तेरी तो हाँ, मेरी तो है करिश्मा, सिंपल। आपको हरिओम अंकल जी ने भेजा है क्या? हाँ, आप सबकी सिक्योरिटी के लिए। मैम ये हमारी सिक्योरिटी के लिए आए। आज करिश्मा स्कूल नहीं आई है, मुझे लगता है कि हमें उसके घर जाना चाहिए। हाँ मैम, आप और अदरक चलिए, हम दोनों घर जाके फटाफट चेंज करके आते हैं। काफी डरी होगी ना करिश्मा, सिक्योरिटी के बावजूद नहीं आई। ऐसे मैं बहुत सारे जोक जानता हूँ। एक बार क्या होता है, बिल्ली कुत्ते के पीछे पड़ जाती है। अरे यार तू बड़ा बेहुदा आदमी है। बेहुदा? अरे आप कहते तो मैं बना देती। वैसे चाय मैं भी अच्छी बना लेता हूँ। पुलिस वाली चाय है? मतलब पुलिस वाले के घर की चाय तो गोली से भी कड़क होती होगी। आप लोगों को यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है, इसी बहाने करिश्मा हंसी तो सुबह से उदास बैठी थी। ये तो प्रिंस की वजह से हंस रही है। क्या कहा अदरक? मेरा मतलब कि चाय के बड़े शौकीन आ रहे थे। चाय ले, चाय जहाँ भी होती है ना हम वहीं पहुंच जाते पीने पहले। सुरेश क्या कर रहे हो तुम लोग ड्यूटी पे? कोई पत्थर मार के गया घर पे? साहब हमने तो किसी को नहीं देखा साहब। चल ढूंढो उसको, कहीं आसपास ही होगा। किटी करिश्मा को संभालो। चल तू बैठ, आ जाओ। कुछ नहीं अंकल, कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। कॉन्स्टेबल लग गए हैं, कहीं आसपास ही होगा, पकड़ा जाएगा। एक बार हाँ कह दो, जानता हूँ मुंह पर ना है पर मन में हाँ है। क्या हाँ है क्या ये? इसे मैं बताता हूँ, इसे हाँ करवाता हूँ। उधर कहाँ जा रहा है? चला गया वो। अच्छा हुआ चला गया, ड्रग से बच जाता। और ना भी पापा उसी का फोन है। फोन उठाओ करिश्मा, बात करो उससे। डरने की कोई जरूरत नहीं है, देखो हम सब लोग यहाँ पर हैं। करिश्मा फोन उठाओ। हाँ प्रिंस है ना, फोन उठा, फोन उठा। तू स्पीकर ऑन करके बात करो। तनम तेरी कसम। अकेले मिलना है, इन सबके सामने नहीं। इन सबको भी बुलाएंगे लेकिन अपनी बारात में, तारों वाली रात में। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? हाँ दिल लूट लिया है सनम, इतनी वजह काफी नहीं तुम्हारे लिए? हाँ तो कितना झूठ बोलते रहोगे तुम?
मुंह पे ना, दिल में ना, क्या हुआ सनम? हाँ, अच्छा एक बार मिल तो लो, एक बार तो मुझसे मिल लोगी ना? तू ना नहीं कर पाओगी कभी भी नहीं, और आसपास भी दिखाई दिए ना तो तुम पकड़े जाओगे, फिर देखना। हेलो, तो मैं पता तुम किससे बात कर रहे हो? हेलो हेलो, कंट्रोल रूम, आज जरा पता करो करिश्मा के फोन पे किसका फोन था। सिम बदल दिया उसने और पुरानी वाली शायद फिर से तोड़ दी गई है। नंबर ट्रेस नहीं हो सकता, उसने सिम ही तोड़ दिया है। अर्जुन, लेकिन इश्क में सब जायज है। हाँ, सब जायज है। अब करिश्मा को पाने में सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हो। कितना आसान था आपको वहां से यहां बुलाना। हाँ, लड़कियां डॉक्टर, लड़कियां ना आदमी को कमजोर बना देती है। रोशनी को जिंदा देखना चाहते हो तो बस स्टैंड के पीछे राजू ट्रैवल एजेंसी जो कई दिनों से बंद है वहां मिलो। किसी को फोन किया तो किसी की जान जाएगी। डॉक्टरों, समझदारी से काम लेना। रोशनी, सब कुछ करके देखा मैंने, सब कुछ। अब ये भी करूंगा, अभी वैसे भी कोई भी प्यार ना डॉक्टर पूरा नहीं होता जब तक उसमें कुर्बानी नहीं होती। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, हर प्यार में कुर्बानी की जरूरत होती है। आशिकों को प्यारी है कुर्बानी। हाय, मुझसे दोस्ती करोगी? प्लीज, तुमसे फ्रेंडशिप करूंगी और वो भी मैं। कम ऑन, तुम मेरे फ्रेंड बनने के लायक भी नहीं। जब सनम का दिल नहीं पिघला तो सोचा कि शायद मेरा खून देख के पिघल जाए। सॉरी डॉक्टर अर्जुन, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन क्या करूं मैं, क्या करूं, दिल के लिए मजबूर हूं ना। कितनी बार समझाया लड़की को, समझती नहीं। एक बार आती मुझसे मिल लेती, कह देती आई लव यू, तो क्यों करता मैं ये सब? हाँ, क्यों करता? लेकिन वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, इश्क में सब जायज है। इस मामले में अर्जुन कैसे इन्वॉल्व हो गया? प्रिंस, दिखा इसका। मैम, मैं इस केस में इन्वॉल्व हूँ ना, इसलिए शायद इस सब मेरी वजह से हो रहा है। स्पीकर ऑन करके बात करो। अब वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा। कैंडल 10 मिनट से ज्यादा नहीं जल पाएगी, फिर रस्सी आग पकड़ेगी। और उस बॉटल में एसिड है यार, सच्ची बोल रहा हूं। अब देखो क्या हो सकता है। हेलो, तुम कहाँ? हेलो मैम, मैम अर्जुन चाचू डेंजर में, ये पागल कुछ भी कर देगा। डोंट वरी किटी, डॉक्टर अर्जुन को कुछ नहीं होगा, हम बचा लेंगे उन्हें। ये भी नहीं पता कि उसने डॉक्टर अर्जुन को रखा कहाँ है। ध्यान से देखिए, ये बस स्टैंड के पीछे राजू ट्रैवलिंग एजेंसी है जो बहुत टाइम से बंद है। तो फिर देर किस बात की है? चलो मैम, मैं भी चलूंगी साथ में। मैम, हम भी। देखो, दोनों में से कोई एक ही चल सकता है। किटी तुम यहाँ रुको, प्रिंस तुम मेरे साथ चलो। मैम, मैं? अच्छा ठीक है, तुम चलो, प्रिंस तुम यहाँ रुको करिश्मा के पास। हर बार बीच में आती मैम ये। चाचू तेरे या मेरे, बहादुरी ना कभी और दिखा देना।
रोशनी मैम इतनी जल्दी नहीं आएंगी ना। सॉरी वही होगा। मैं रजत कांस्टेबल, किसी ने दूसरे कांस्टेबल को बेहोश कर दिया है, उसे मदद की जरूरत है। दरवाजा खोलिए। अच्छा अगर ये कांस्टेबल की जगह कोई और हुआ तो? ए, 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 करिश्मा एक तेरे को पता नहीं कि कौन सा रमेश सुरेश कौन सा कांस्टेबल, आवाज नहीं पहचानती क्या तू इसकी? नहीं। जल्दी खोलिए दरवाजा। दोस्तों अब वो घड़ी आ गई जब हम में से किसी एक को कुर्बानी देनी है, और मैंने फैसला कर लिया है वो शख्स अदरक है। हमारे पास सिर्फ 7 सेकंड है, सिर्फ 7 सेकंड। और कोई मुझे रोकेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोकेगा। बड़े भैया रह जाता क्यों नहीं, ड्रामे कर रहा जा। अबे देश आजाद है यार, इमोशंस की तो कदर रखो कम से कम। वेरी बैड, आई एम गोइंग। वो कहां गए? अरे जाना। हाँ जा रहा हूं। करिश्मा तुम टेंशन मत लो, वो कांस्टेबल ही होंगे। लेकिन उसने दूसरे कांस्टेबल को बेहोश कर दिया ना। हवलदार साहब, हवलदार साहब, यहां तो कोई नहीं है। हवलदार साहब, अर्जुन का फोन बज रहा है पर वो पिक नहीं कर रहा है। आप चिंता मत कीजिए, हम टाइम से पहुंच जाएंगे, अभी भी 5 मिनट बाकी है। प्रिंस का फोन, मैसेज आया है, वीडियो है। भाई मुझे तो छोड़ दे यार, मैंने तेरा काम ही। अदरक, अगर मेरी बात नहीं मान और इसको बचाने को आया तो ये मैं अदरक को फेंक दूंगा। अरे तुम चाहते क्या हो? करिश्मा को अकेला छोड़ के दूसरे रूम में चले जाओ यहां से, समझे? प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, प्लीज मुझे से कोई बात नहीं करनी। करिश्मा हमारे पास कोई चारा नहीं है। प्रिंस प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। करिश्मा हमें जाना ही होगा, नहीं तो अदरक के ऊपर एसिड डाल देगा, और हम जैसे ही जाएं तुम्हें दरवाजा बंद कर लेना ताकि वो अंदर ना सके। एक बार हमारा हाथ लग गया ना उसे छोड़ेंगे नहीं। पर करिश्मा वो स्ट्रांग होंगे पर आपसे ज्यादा नहीं। करिश्मा अपना ध्यान रखना, चलो करो। अच्छा वहाँ प्रिंस का फोन मेरे साथ आ गया, मैम मुझे जाना होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं पुलिस भेजता हूँ वहाँ। अंकल आप दोनों अर्जुन चाचू को बचा लोगे, लेकिन अदरक अकेला है, मुझे जाना होगा प्लीज। मैं ऑटो पकड़ के चली जाऊंगी। गाड़ी रोको यहाँ। अगर आप करिश्मा से प्यार करते हैं तो आप उन्हें हार्म नहीं करेंगे। जितना कहा है ना उतना ही करो। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। बेटा अगर ठीक कर दिया ना तो सबसे ज्यादा दिक्कत ना तुझे ही हो, इसलिए चुपचाप निकल ले। चल आ गए अब। अरे देखो तुम। एक मिनट एक मिनट,
तुम दोनों के फोन ना दरवाजे के नीचे से बाहर फेंक दो अभी। कोई चालाकी नहीं यहाँ पर, हमारे पास सिर्फ टैब और कुछ नहीं। टैब को भी बाहर फेंको नीचे। तुम झूठ नहीं बोलते, हमारे पास सिर्फ यही है। उसे बाहर फेंको। अरे पर फेंको। दरवाजा खोलो सनम। इंतजार में टाइम क्यों खराब करवा रही हो? हाँ कब से खड़ा हो बाहर, अब तो दीदारे यार हो सनम। सनम बहुत हो गया, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा सनम। क्या करेंगे भाई, अतरक और करिश्मा दोनों परेशानी हैं। मुझसे दोस्ती करोगी? करण तुम? हाँ इस दुनिया में एक मैं ही तो हूँ तुम्हारा आशिक। चलते चले जाओ प्लीज, इतना गुस्सा। वैसे गुस्सा भी उन पे किया जाता है जिन पे प्यार आता हो, है ना सनम? देखो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। जाने दो? इतनी आसानी से? पता है कितनी मुश्किल से मिला है लम्हा सनम। तेरी कसम मुझे यहाँ से जाने दो। I love you. करिश्मा देखा अब तो एकदम शाहरुख खान के स्टाइल में भी बोल दिया। देखो देखो प्लीज रो मत, अगर तुम रोगी ना तो मैं भी रोना चालू कर दूंगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता तुम्हारा रोना। नहीं देखा जाता मुझसे कुछ भी, तुम्हारी इस तरह से भी तकलीफ। मत रो प्लीज प्लीज मुझे मत जा, प्लीज प्लीज जाने दो। अपने आप से झूठ बोलूं? अच्छा देखो, अच्छा देखो बहुत आसान, सिर्फ यहाँ देखो, देखो देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो और सिर्फ कहना है I love you, 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 I love you. जैसे तुमको अच्छा लगे बोलो ना एक बार। I hate you. आशिकों का इम्तिहान ना ले कोई, न जाने क्या कर बैठे प्यार में। हाँ बाईस साल का है ना, और इतनी नॉलेज आ गई प्यार के बारे में, ये तो प्यार नहीं है। अच्छा तो फिर क्या है? इसका जवाब मैं किसी और तरीके से दूं? किट्टी स्टाइल में आया अर्जुन, 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 अर्जुन अभी खोलो।
चिंता मत करो, हम तुम्हें यहाँ से सुरक्षित लेकर जाएंगे। अर्जुन आंखें खोलो अर्जुन। हरिओम जी, कैंडल बुझाइए जल्दी से। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। रोशनी। अर्जुन। सजाद है बेटा और अदरक। मैं तुझसे डरता नहीं हूँ, तुझसे क्या किसी से नहीं डरता। करिश्मा के लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। अरे यार कितना करेगा और, तू ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका है, अब जो करना है ना हम लोग करेंगे। तुझे क्या लगा था किट्टी से बच जाएगा? इम्पॉसिबल। अब मैं ना तुझे कहानी सुनाती, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। ओके, तो ना एक लड़का था, वो ना एक लड़की के पीछे पड़ा था। बहुत परेशान करता है वो उस लड़की को, उसके लाख मना करने के बावजूद वो उसके पीछे पड़ा था, बहुत तंग करता था उसको। यहां तक कि उसने दो लोगों को एसिड से जलाने की भी कोशिश की। फिर क्या हुआ? फिर वो पकड़ा गया, पुलिस आई, लेके चली गई उसको। पर करिश्मा, तुझे नहीं लगता इस कहानी का एंड बहुत बोरिंग है? इसे ना कोई और एंड दे देते, क्या कहती हो? जो तुम कहती हो। हाँ। क्या करूं? मुझे टेंशन हो रही है, पता नहीं अदरक ठीक होगा कि नहीं, कहीं गुस्से में बच्चों ने कुछ ऐसा वैसा ना कर दिया। डोंट वरी, मुझे मेरे स्टूडेंट्स पर पूरा भरोसा है, वो जो कुछ भी करेंगे सही करेंगे। अरे तारा कट है, अरे यार ये भी यहीं कहीं होंगे। अदरक, अरे अदरक में अदरक, अदरक हमें बंद कर दिया यहाँ। बहुत जुगाड़ू बनते हो ना, ये दरवाजा कैसे भी खोलो। हाँ ठीक है ठीक है। कोई बताता हूँ बेटा, मैंने तो कुछ भी किया, सिर्फ करिश्मा के प्यार में किया। प्लीज मेरे को जाने दो, प्लीज। प्यार में किया? प्यार नहीं, पावर। तुझे लगा मैं लड़की को डराऊंगा धमकाऊंगा और वो हाँ बोल देगी? फिर अब क्यों डर रहा है? बहुत कह रहा था ना उस दिन, एसिड और भी बहुत कुछ जला सकता है। मैं बताती हूँ और क्या क्या जलाता है एसिड। करिश्मा तू रहने दे, मैं करती हूँ। नहीं नहीं, प्लीज 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 प्लीज, नहीं। मैंने जो कुछ किया सब प्यार में किया। पानी था, इतना क्यों डरता है? करण लगा डर? तू तो 2 मिनट में चीख पड़ा। करिश्मा को तो तू कितने टाइम से डरा रहा है, सोचा क्या फील कर रही होगी वो? तो जैसे लड़के ना जो लड़कियों को डराते हैं धमकाते हैं ना, वो एक नंबर के बुजदिल होते हैं। तुम लोग एक मिनट के लिए भी नहीं सोचते ना कि कैसे तुम एक लड़की की लाइफ पूरी जिंदगी के लिए बिगाड़ सकते हो। मेरा तो मन कर रहा है अभी एक मुक्का मार के ना तेरा मुंह तोड़ दूं मैं। लॉकअप में लेके जा उसको। बेटा तुम ठीक तो हो? हाँ पापा, वो कितनी सही टाइम पे आ गई थी। ये बबूतरा तो तेरे यहाँ का है। बेटी, बेटा इधर आना। दीवानी ऐसी खत्म नहीं होती करिश्मा। आई लव यू। हेलो, फिल्में कम देखा कर, लड़की की ना का मतलब सिर्फ ना होता है। अगर ये बात तू पहले समझ जाता ना तो आज तेरा ये हाल नहीं होता। लेकर जाइए इसे। अरे ऐसे
इतनी आसानी से मिल कैसे जाता है? जी इनका तो बैन होना चाहिए राइट? हाँ, इसे कोई खुले में नहीं बेच सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑर्डर है। फिर तो जहाँ से करण इसको खरीद के लाया होगा उस आदमी को भी पकड़ना पड़ेगा। हाँ, उसे भी सजा मिलेगी। बदलीपुर में इसको लेकर अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, लोगों को बताना होगा कि ये कितना खतरनाक है। जहाँ पे भी इसे खुले में बेचा जाए सीधी रिपोर्ट लिखानी चाहिए। डोंट वरी चाचू, हम ये बात ना सबके कान में डाल देंगे। हम भी सोशल मीडिया पे इसके बारे में लिखेंगे, आप लोग शेयर जरूर करिएगा। हाँ जरूर करेंगे। अरे यार, मेरा भी फ्रेंड ग्रुप पे अकाउंट बना दे, मैं भी शेयर कर दूंगा। तारा है ना, ये सिखा देगी तुझे। अब वैसे चाचू आप ठीक है? थैंक यू। बेटे तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी इतनी मदद की, तुम उनको थैंक यू नहीं बोलोगे? नो। क्यों? अरे दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। चलो बताओ क्या पियोगे तुम लोग? अरे मेरा पार्टी देने का मन है, बताओ ना। वो क्यों? अरे आधा फूल ने एक नया केस सॉल्व कर दिया ना। देखो तुम करते ही रहते हैं, पार्टी देने की क्या बात है? ये मन कर रहा है मेरा अदरक, मन कर सकता है ना, देश आजाद है। देश आजाद है, मैं समझ गया सब। हमें अभी भी समझ नहीं आया, हमें भी समझाइए ना। अरे इसकी बेस्ट फ्रेंड करिश्मा की इसने जान बचाई है ना, इसलिए इस खुशी में। वो तो है, अब हमारे जैसे दोस्तों को कौन पार्टी देता है ना अदरक। हो गया तुम दोनों का, अब बताओ क्या पीना जल्दी। पहले आप रीजन बताइए तब बताएंगे। तो मेरा ना एक दोस्त है। उसके बारे में तो तूने मुझे बताया ही नहीं। अब उसका ना मैंने थोड़ा नुकसान कर दिया। वो तो तू करती रहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अदरक पूरी कहानी सुनने देंगे? अरे यार पता है कितने का नुकसान किया मैंने? कितने पैसों का? पूरे 75 रुपयों का। आज सुबह मेरी साइकिल से टकरा कर मेरी केतली गिरा दी उसने, 75 रुपए का बिल बनाया, दे दो। नुकसान की भरपाई के पैसे उसने वापस दे दिए, तो सोचा उन पैसों से मैं तुम लोगों को पार्टी दे दूं। अब दोस्त के पैसे लेकर कहां जाऊंगी मैं? ऐसा क्यों करती है तू? क्योंकि देश आजाद है। अरे सेम टू सेम यही तो प्रॉब्लम है मेरी। मैंने उसको कितनी बार मना किया और बोला कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, पर उसको ये बात ही नहीं समझ में आ रही। मेरी ना में कोई हाँ नहीं छिपी, मेरी ना का मतलब सिर्फ ना है, NO। कितनी सिंपल बात, कितनी आसान बात है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती। अपना आधा फूल में जो लड़का था वो कहता है कि वो करिश्मा से प्यार करता है। अरे मैं पूछ रहा हूँ ये कैसा प्यार हुआ भाई? उसे तंग करना, उसका पीछा करना, उसको परेशान करना, ये कोई प्यार हुआ? फिल्मों में भी तो यही दिखाते हैं, लड़की के मना करने के बावजूद हीरो उसका पीछा करता है और लड़के को लगता है आखिर में तो लड़की हाँ बोल ही देगी। तुम उसको छोड़ो, अपनी बताओ, तुम्हारा जो मजनू है वो मजनू की औलाद जो तुम्हें तंग कर रहा है उससे कैसे निपटोगी तुम? जैसे करिश्मा ने अपने पेरेंट्स को बता दिया, मैं भी अपने पेरेंट्स अपने फ्रेंड्स को बता दूंगी। करेक्ट, और जरूरत पड़े ना तो पुलिस में भी कंप्लेन कर देनी चाहिए। हाँ सही कह रहे हैं, और आप सब भी बात कीजिए, अगर आपके साथ ऐसा होता है या आप ऐसा होते हुए देखते हैं तो आप क्या करेंगे, किसकी मदद लेंगे? छिपिएगा मत, छिपिएगा मत, छिपेंगे तो ऐसे लोग जो तंग करते हैं लड़कियों को उनका हौसला बढ़ जाएगा। सामने आइए, निसंकोच खुलकर कहिए, चुप मत रहिए और जल्दी सीख लीजिए, ना जाने कब काम आ जाए। और हाँ, आधा फुल देखते रहिए, क्योंकि यहीं पर हर आधा कदम फुल हो जाएगा।